नमस्कार फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग अडानी पावर शेयर के बारे में। आज इस कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं। नतीजे देखिए अनुमान के मुताबिक नहीं आए हैं, क्वार्टरली बेसिस पर थोड़े से कमजोर आए हैं, जो कि इस कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ी सी विचलित कर सकती है। लेकिन सालाना स्तर पर देखेंगे तो अभी कंपनी प्रगति करती हुई नज़र आ रही है। इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद एनालिसिस में जानेंगे कि शॉर्ट टर्म में इसके स्टॉक में क्या प्रभाव पड़ सकता है रिजल्ट को लेकर, और आने वाले दिनों के लिए कंपनी कैसी प्रगति करती हुई दिख सकती है। हर एक चीज़ पर बात होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इसके रिजल्ट से। देखिए रिजल्ट में सबसे पहले बात करेंगे इनकम कितना हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर टू में। तो जो टोटल इनकम हुआ है इस पर अडानी पावर को, वो हुआ है 8,445 करोड़ रुपया, जबकि पिछले साल के क्वार्टर रिजल्ट में जो कंपनी को टोटल इनकम हुआ था क्वार्टर टू के रिजल्ट में, वो हुआ था 5,571 करोड़ का। यहाँ से देखें तो इस बार कंपनी की जो टोटल इनकम है तकरीबन 55% अधिक इनकम हुआ है। वहीं यदि क्वार्टरली बेसिस पर बात करेंगे पिछले क्वार्टर में, यानी कि क्वार्टर वन में कितना इनकम हुआ था इस कंपनी को, तो पिछले क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुआ था अडानी पावर को वो हुआ था 15,509 करोड़ का। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो तकरीबन 50% के आसपास इनकम में गिरावट देखने को मिला है। जी क्वार्टरली बेसिस पर इनकम कम हुआ है। और अगर एक एक्सपेंसेस की बात करें, खर्चा कितना हुआ है, तो इस बार जो कंपनी ने टोटल खर्चे किए हैं अपने बिजनेस पर और अलग अलग कार्यों पर वो किए हैं 7,747 करोड़ रुपये का। वहीं यदि सालाना स्तर पर बात करें पिछले साल के क्वार्टर टू में कंपनी ने कितना खर्चा किया था, तो वो किया था 5,781 करोड़ का। तो सालाना स्तर पर खर्चे बढ़े हैं, जो कि स्वाभाविक है, खर्चे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। वहीं यदि पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो टोटल खर्च हुआ था कंपनी का वो हुआ था 9,642 करोड़ रुपये का। तो क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो खर्चे थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि कंपनी का इनकम भी कम हुआ है। इनकम कम हुआ है तो खर्चा कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। हालांकि अच्छी बात है कि जब कमाई ज़्यादा नहीं हो रही तो खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी ने यह बताया है कि इस बार जो खर्चे इसके सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है जिस चीज़ में, वो हुआ है फ्यूल कॉस्ट पर। अडानी पावर सेक्टर की कंपनी है, फ्यूल ज़्यादा लगता है इसमें, जाहिर सी बात है फ्यूल कॉस्ट के दाम भी बढ़े हैं, तो इसकी वजह से इस बार खर्चा फ्यूल कॉस्ट पर ज़्यादा हुआ है। अब बात करते हैं शुद्ध मुनाफा कितना हुआ है कंपनी को। तो इस क्वार्टर में जो अडानी पावर को टोटल शुद्ध इनकम हुआ है, जिसको PAT कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद जो मुनाफा होता है उसको शुद्ध मुनाफा कहते हैं, वो हुआ है इस बार इसको 695 करोड़ रुपये। वहीं पिछले साल के क्वार्टर टू के रिजल्ट में अडानी पावर का जो टोटल मुनाफा हुआ था वो हुआ था -230 करोड़। जी पिछले साल क्वार्टर टू में कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी, लॉस में थी, लेकिन इस बार उस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आई है। वहीं यदि क्वार्टरली बेसिस पर बात करें पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर वन में कितना प्रॉफिट हुआ था, तब पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,779 तकरीबन 4,780 करोड़ रुपये के प्रॉफिट में थी। यहाँ से देखेंगे तो पिछले 3 माह में प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। इसके पीछे की वजह साफ है, कंपनी का रेवेन्यू नहीं हुआ है, इनकम नहीं बढ़ा है, और जो अदर इनकम से कमाई हुआ था पिछले क्वार्टर में वो कमाई इस बार कम हो गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम से तकरीबन 1785 करोड़ रुपये का कमाई हुआ था, जो इस बार कम होकर सिर्फ 1400 करोड़ रह गया है। तो इस वजह से भी कंपनी को प्रॉफिट कम होते हुए दिखा है। अब यदि EPS की बात करें, EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, ये इस बार जो हुआ है कंपनी को 0.95 यानी 95 पैसा हुआ है। वहीं पिछले क्वार्टर में यह 11.50 तकरीबन 11.50 रुपये के आसपास था। पिछले क्वार्टर से काफ़ी कम हुआ अर्निंग पर शेयर, जो कि दुखदायी बात है, ये ज़्यादा होना चाहिए था। और पिछले साल के अगर क्वार्टर टू की बात करें तो पिछले साल के क्वार्टर टू के रिजल्ट में यह भी निगेटिव में था, अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव में था। तो सालाना स्तर पर देख रहे हैं तो कंपनी अभी प्रगति करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह यह है कि ये अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियाँ हैं इनमें वोलेटिलिटी काफ़ी अधिक होती है, ये कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं दिखाती हैं। जैसे टाटा पावर कंपनी है, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अडानी पावर की कंपनी में क्या है कि इस बार क्वार्टर का रिजल्ट खराब आया, अगले क्वार्टर में फिर अच्छा आएगा, उसके अगले क्वार्टर में फिर थोड़ा सा डाउन आएगा, लेकिन फिर उसके अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अडानी ग्रुप की कंपनियों के रिजल्ट इसी तरह आते हैं, और इनकी कंपनियां वोलेटिलिटी अधिक होने के चलते अचानक ग्रोथ देती हैं और फिर डाउन हो जाती है। जैसे अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, इसके शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल सकता है इस रिजल्ट की वजह से, लेकिन फिर अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा आएगा तो फिर शेयर का प्राइस बूम कर जाएगा, एकदम काफ़ी तेज़ी से भागेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, या जो बातें मैंने आपको बताई, जो अपडेट बताया, आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। मन में कोई भी डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है और आप बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल उनके साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।